बी केयरफुल, एम्बुलेंस आ चुका है, तो सावधानी बरतो, फर्स्ट गियर में आ जाओ, स्लो स्लो स्लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर। मेरा नाम है शेखर और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस में बाइक को राइड करना है। तो लेट्स गो फॉर इट। तीन तरह के ट्रैफिक कंडीशन होते हैं। एक होता है बहुत ही स्लो ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के आजू बाजू लगते हैं, और होता है थोड़ा मीडियम ट्रैफिक, अंडर 30-40 जा रहे, ये मिड लेवल ट्रैफिक है। और एक है हाई स्पीड ट्रैफिक, 80-90 के स्पीड से जा रहे, 100 के ऊपर जा रहे। तो हर एक ट्रैफिक में चलाने का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग रूल्स होता है। तो मैं अगर सिटी कंडीशन में चला रहा हूँ, बहुत भीड़ है, तो डेफिनेटली मुझे 10 के नीचे ही चलाना होगा। तो 10 के नीचे अगर मैं चला रहा हूँ तो हमेशा ये फ्रंट डिस्क ब्रेक है, इसमें एक उंगली ऐसे रखो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, एंड पैर ऐसा नीचे रखो ताकि तुमको कोई भी अगर गड्ढा सामने मिले तुमको बैलेंस करने में फ़ायदा हो। ठीक है, दोनों पैर नीचे। 10 के अगर ऊपर उठते हो तो फुटपेक में ऐसे पैर रख सकते हो। 30 के ऊपर जब भी हम लोग उठ रहे हैं तो हम लोग एक मिड लेवल ट्रैफिक से जा रहे हैं, मतलब थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। 30 स्पीड के ऊपर अगर तुम्हें रोकना है तो डेफिनेटली रियर ब्रेक यूज़ करो, और जब भी गाड़ी 10 के नीचे आ जाए तब डिस्क मारो। ओके, तो फ्रेंड्स अभी रियल ट्रैफिक में दिखाएंगे कैसे ब्रेक यूज़ करना है एंड कैसे कितना स्पीड रखना है कितना गियर में। सामने ही एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड ब्रेकर आ गया तो मैं गियर डाउन कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे क्रॉस कर रहा हूँ। तो सामने देखो पानी है, तो इसमें कैसे जाऊँगा, पूरा फर्स्ट गियर में आ जाओ और हाफ क्लच रखो और धीरे धीरे क्रॉस करो। ओके, ऐसे सिचुएशन में। एंड अभी मैं हाई रोड में उठ रहा हूँ, तो धीरे धीरे उठो ये व्हाइट लाइन के अंदर, और अभी धीरे धीरे मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। तो 40 तक आ चुका हूँ मैं, थर्ड गियर में आ गया। ओके, 40 क्रॉस कर रहा हूँ तो फोर्थ गियर, ठीक है मैं 50 क्रॉस कर रहा हूँ अभी, तो फाइनली फिफ्थ गियर में आ गया। मैं राइड कर रहा हूँ थंडरबर्ड 350 रॉयल एनफील्ड का। तो देखो इसमें दो लेंस है, एक ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। तो लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग रीजन्स पे हैं। एकदम जो लेफ्ट में है वो है बहुत ही स्लो व्हीकल के लिए, या तुमको झटक से गाड़ी को साइड में लगाना है तो उस साइड में लगा सकते हो। और ये जो साइड है, ये साइड है अंडर 60 जाने के लिए, ओवरटेक करना है, मतलब 60 के ऊपर या 70-80 जो भी हो वो ये राइट लेन से होगा। तो मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो इस टाइम में कोई भी मतलब हाई रोड में उतना भी हॉर्न का ज़रूरत नहीं है। अभी सामने गाड़ी है, मैं उसको ओवरटेक करके दिखाता हूँ। ओके, मैं टोटल फिफ्थ गियर में ही हूँ, मैं 60-70 ऐसा कुछ एवरेज स्पीड में चला रहा हूँ। ओके, तो देखो ये गाड़ी रॉन्ग साइड में घुसा था अभी। ओके, और मेरा हिसाब से गाड़ी उतना ही स्पीड में भगाओ जितना तुम गाड़ी के बारे में जानते हो, मतलब कितना स्पीड में तुम रोक सकते हो और उधर पे स्पीड लिमिट क्या है, मतलब ट्रैफिक रूल के हिसाब से सब पहले जान लो फिर चलाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो सामने ट्रैफिक आ गया है, बाई तरफ बाल बगड़ा निकलता है, तो अभी सीधा जाएंगे। मुझे राइट मोड़ना है तो इंडिकेटर दे दो थोड़ा सा। ओके, मैंने इंडिकेटर दे दिया था। अभी सिलीगुड़ी हाईवे में उठ चुके हैं, तो देखो मैं अभी तक राइट साइड में हूँ क्योंकि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ ये ट्रक को, और फिर से मैं इस कार को भी ओवरटेक करूँगा। 30 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया है मैंने, और हॉर्न देना आगे बढ़ूँगा। ओके, हॉर्न देना है आगे बढ़ना है। तो साइड से ओवर भी जा रहा है, तो थोड़ा इधर पे धीरे चलने का क्योंकि सामने ये कोलिशन होने वाला है। ठीक है, उस तरफ से भी गाड़ी आएगा और इस तरफ से ही गाड़ी आएगा, तो बी केयरफुल एंड जेंटल जाओ, स्लो जाओ। ठीक है, थोड़ा हमेशा मिरर के ऊपर मतलब बिलीव मत करो, थोड़ा आगे पीछे भी देख लिया करो। तो सामने टोटो है, बी केयरफुल, एक बार हॉर्न दे दो छोड़ दो, ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन मत करो और आगे बढ़ो। ओके, तो ये क्राउडी एरिया है, दिख रहा है इधर उधर, थोड़ा मार्केट जैसा है, तो थोड़ा इधर पे स्लो जाने का। एंड स्पेशली जो ब्रिज एरिया है, ठीक है, जब तुम कोई भी ब्रिज क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा स्लो जाओ,
ठीक है, जो भी तुमको मतलब जल्दी जाना है हाई रोड में दिखाओ, जो भी पावर दिखाना है गाड़ी का हाई रोड में दिखाओ। ब्रिज होता ही है नैरो लेन, उसमें धीरे ही जाना पड़ता है। जैसे देखो सब गाड़ी जा रहा है, तो धीरे धीरे मैं सिटी में घुस रहा हूँ और ट्रैफिक कंडीशन हाई हो रहा है, मतलब ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो अभी मैं राइड कर रहा हूँ 30 के स्पीड से, ठीक है, थर्ड गियर में चला रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक्चुअली स्पीड तुमको ओवरटेक करना है हमेशा अपने राइट हैंड साइड से, ओके, मतलब गाड़ी के राइट से, लेफ्ट से नहीं। पर इधर पे कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है कि सब लेफ्ट से ही ओवरटेक कर रहे हैं, तो अपन भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो सामने ट्रैफिक है, यहाँ पे जगह है, इसीलिए मैं पूरा सामने जाके रुकने वाला हूँ। और धीरे धीरे अभी मैं रुकने वाला हूँ, तो धीरे धीरे मैं न्यूट्रल में आ जाऊँगा, क्योंकि न्यूट्रल में जस्ट गाड़ी स्टार्ट रहेगा और तुम आगे नहीं जाओगे, क्लच तुम छोड़ सकते हो न्यूट्रल पोजीशन में। तो ये जो स्पीड लाइन है, ये जो स्पीड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करने का, ठीक है। वो सामने जेब्रा क्रॉसिंग है, ये इसमें भी नहीं आने का। इसमें जो पैदल जाते हैं, जो लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, उन लोगों के लिए है। तो रिस्पेक्ट करो और जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ दो, मत जाओ उधर पे, ठीक है। जैसे ये आदमी अभी लेन तोड़ के इधर आया, तो अगर ट्रैफिक केस देता है तो बहुत दे देगा इसको। और दोनों तरफ से दो गाड़ी, तो बी केयरफुल, रास्ता खाली है, उधर से टोटो आ रहा है, बी केयरफुल। तो जब भी ऐसा मतलब कोई क्रॉस कर रहा है, तो ब्रेक के ऊपर अपना पैर दबा के रखो, मतलब ब्रेक के ऊपर अपना पैर रखो, दबाओ मत, रेडी रहो, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है। तो सामने सिटी सेंटर का ट्रैफिक आने वाला है, ट्रैफिक सिग्नल, तो अभी तो सिग्नल दिया हुआ है, शायद उधर पे रोक सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, सामने ट्रैफिक है, अगर सिग्नल नहीं दिया है तो कोई क्रॉस कर रहा है तो रोक जाओ, ओके। ये जेब्रा क्रॉसिंग था, जेब्रा क्रॉसिंग में मत रोकना, ओके। इधर पे देखो हाई ट्रैफिक है, तो मैंने क्लच किया और धीरे धीरे फर्स्ट गियर में आ गया, क्योंकि मैं बिलो 10 आ गया हूँ, ओके। तो मैंने हब क्लच किया हुआ है, क्योंकि बार बार गाड़ी 10, 5, 2 ऐसे स्पीड में आ रहा है। अभी फिर से बढ़ रहा हूँ, तो सेकेंड गियर में आ गया और आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे जितना सिटी के करीब आ रहा हूँ, उतना ही भीड़ बढ़ रहा है। और एकदम गाड़ी के करीब जाके मत रोको, उससे प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट 20-30 फीट का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करो, जब भी किसी गाड़ी के पीछे चला रहे हो। उससे क्या होगा, तुमको ब्रेक करने का वो स्पेस मिलेगा। नहीं तो अगर सामने का जो फोर व्हीलर का जो बैलेंसिंग सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके पास 4 व्हील है और मेरे पास सिर्फ 2 व्हील है। तो उसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है और बैलेंसिंग तो बहुत ही अच्छा है। बाइक का भी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा ही होता है, पर बैलेंसिंग फोर व्हीलर से थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि मैं सिटी में उठ रहा हूँ, तो बेफिजूल इसको मैं हॉर्न नहीं दूंगा और ओवरटेक भी नहीं करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड में मैं सामने जा नहीं पाऊँगा। तो फालतू में नॉइस पॉल्यूशन का कोई मायने नहीं है। और जब भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, पहले तो एक्सेलेटर छोड़ रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक्सेलेटर छोड़ रहा हूँ। अभी हम लोग घुस रहे दार्जिलिंग मोड़ में, 6 डिग्री से पहले सबसे बड़ा मोड़। तो धीरे धीरे इधर पे मैं स्लो करके रखूँगा, 25 में चला रहा हूँ सेकेंड गियर में। तो मैं क्रॉस कर गया ये, ठीक है, धीरे धीरे क्रॉस किया। अभी हिल कट रोड आएगा, उसमें हम लोग मिड लेवल स्पीड से चला के दिखा पाएंगे, ठीक है। सामने मेरा 2 गाड़ी जा रहा है, तो फॉलो करो दोनों का ही मूवमेंट। अगर तुम्हें ओवरटेक करना है, अगर सिटी के बहुत करीब आ चुके हो, तो छोड़ दो, लीव इट, उसके पीछे ही रहो, क्योंकि सामने जाके भी तुमको सेम स्पीड मिलने वाला है। मैं स्लो कर रहा हूँ, देखो थोड़ा दूर में मैं स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम करीब जाके नहीं स्लो करूँगा, ठीक है।
तो आज मुझे उतना हाई ट्रैफिक नहीं मिला जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम 10 की स्पीड में चलाना पड़े। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जंक्शन मोड़ में, सिलीगुड़ी में जंक्शन मोड़, तेंजिन नोर्गे रास्ता मीनर्स। तो सिलीगुड़ी जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी मैं इमरजेंसी ब्रेक मारने के लिए थोड़ा डिस मारा था। पूरा मैं 20 मिनट से राइड कर रहा हूँ पर अभी तक फ्रंट ब्रेक नहीं मारा था, तो अभी जस्ट फ्रंट ब्रेक मारा। तो अभी मुझे क्रॉस करना है, एक हॉर्न मारूंगा, गियर अप करूंगा और निकलूंगा। ओके, तो सामने क्रॉसिंग है, बी केयरफुल, एम्बुलेंस आ चुका है, तो सावधानी बरतो, फर्स्ट गियर में आ जाओ, स्लो स्लो स्लो। एम्बुलेंस को प्रायोरिटी देना है, बहुत ही प्रायोरिटी देना है। अभी आ चुके हम लोग मोहनंदा ब्रिज पे। तो जैसे मैंने बोला था, जब भी ब्रिज के ऊपर होते हो स्लो जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नैरो लेंस होता है, साइड देने का उतना जगह नहीं है। और फालतू में नॉइज़ पोल्यूशन मत करो, हॉर्न मत दो। बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा है, हर दिन देखता हूँ कि ट्रैफिक में भी कंटिन्यू हॉर्न बजा रहे, तो बेफालतू है, जगह नहीं है भाई, कहाँ पे साइड देंगे। ओके, मुझे लेफ्ट जाना है, ये ईयर व्यू मोड़ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, लेफ्ट जाना है, तो इधर पे कोई भी सिग्नल नहीं चाहिए, जस्ट लेफ्ट लेंगे इधर से। तो इधर पे ट्रैफिक सिग्नल, चलो लेफ्ट। ओके, मैं लेफ्ट आ चुका, तो सामने एक मोड़ आ चुका है, उधर पे मैं राइट टर्न लूँगा। ओके, तो मैं इधर पे इंडिकेटर ऑन करूँगा। ओके, मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया है, हाँ। ओके, तो इंडिकेटर से मैं राइट में चला गया। बहुत ज़्यादा पहले इंडिकेटर ऑन नहीं करना है, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल सेंस होगा। ये मान लो 50-60 मीटर पहले इंडिकेटर ऑन कर दो, वो ट्रैफिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल है। अभी मुझे सीधा जाना है, मतलब रोड क्रॉस करना है, तो डेफिनेटली राइट और लेफ्ट दोनों साइड देख लो कि कोई ट्रैफिक है कि नहीं। कुछ भी नहीं है तो देन क्रॉस। मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी कर डे टाइम में इंडिकेटर उतना दिखता नहीं, तो कभी कभी हाथ का भी यूज़ किया करो, ठीक है, मतलब हाथ से सिग्नल दो, ऐसा या ऐसा सिग्नल दो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड सब्सक्राइब करो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।